बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं समर 2011 का पेपर 13 का क्वेश्चन नंबर 5 करने लगा हूँ। ये मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बताया कि हमेशा आप जो है इनके कोऑर्डिनेट सेट कर लिया करें। तो आए देखें क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन द डायग्राम ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ओ ए बी सी डी इधर से ओ ए बी सी इधर से डी ई एफ जी एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, ओ ए ओ डी 6 सेंटीमीटर, ओ ए भी 6 है, ये ओ डी भी 6 है एंड ए बी ये 12 है। द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के आर पैरेलल टू ओ ए ओ सी एंड ओ डी, ये आई है, ये जे है, ये के है। द पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी जी, ये पॉइंट मिड पॉइंट है इसका डी जी का। क्यू इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर फेस सी बी एफ जी, ये स्क्वायर फेस है सी बी एफ जी इसका, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, सेंटर है। एंड आर लाइज ऑन ए बी सच दैट ए आर इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, ए आर ये 4 सेंटीमीटर है। एक्सेस ईच ऑफ द वेक्टर्स, इसको बाद में पढ़ते हैं, हम पहले इनके सेट करते हैं कोऑर्डिनेट। देखें मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या सेट करता हूँ, 0, 0, 0, पहले एक्सेस हमेशा के ओ ए आर बी सी इसके सेट करूँगा, फिर उनके करूँगा दूसरों के। देखें ओ का ये 0, 0, ए का क्या हो जाएगा, ए देखें सब एक्स एक्सेस में है और ये 6 है तो होगा 6, 0, 0। आर के मैं सेट करना चाहता हूँ, देखें आर के ये होगा 6 और इधर तक कितना जाएगा, ए आर कितना चला गया, ये 4 चला गया, डिग्री आर 4 है तो वहाँ एक्स में 4 है, सेट में नहीं है। अच्छा फिर बी का देखें, बी का ये है 6, 12 और 0, इसमें सब में इनमें जो ये नीचे इस फेस में सब में जेड तो 0 ही आएगा। और सी देखें कितना है, सी हमारा आता है बेसिकली जे में ही है, आई भी 0, 0, 12 और 0। फिर मैं आता हूँ इसके डी ई एफ जी पे, डी के कोऑर्डिनेट्स में सेट करूँगा तो डी के कोऑर्डिनेट्स एक ओ के ऊपर हैं तो ओ वाले होंगे 0 और 0 दो, बाकी ये जे के आ जाएगा ये 6 है 0, 0, 6। अच्छा ई देखें, ई किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, ए ये है, ये होगा 6, 0, 6, 0 और, ये ऊपर 6 आ जाएगा, 6, 0 तो सेम होगा, ये 0 की जगह 6 आ जाएगा ई। अच्छा फिर एफ देखें, एफ में करूँगा ये बी के ऊपर है, बी क्या है, बी ये 6, 12 तो मैं करूँगा 6, 12 और 0 की जगह 6 आ जाएगा एफ। अच्छा जी देखें, जी सी के ऊपर है तो सी का कोऑर्डिनेट 0, 12, 0 है, ये 0 वही, 12 वही और ये 6। बाकी पी का कोऑर्डिनेट्स चाहिए और क्यू का, देखें पी का था मिड पॉइंट एक इसका डी जी का, डी जी का मिड पॉइंट ले लें, डी और जी इनका 0 + 0/2 और 0 + 12/2 और 6 + 6/2, तो पी का पॉइंट आ जाएगा ये 0, 6 और ये आ जाएगा 0, 6 और ये भी 6 आ जाएगा 0, 6, 6, 6 यानी 0, 6, 6 के पी का। अच्छा फिर ये ओ क्यू देखें, इसका क्यू का भी कह रहा है, ये देखें या तो क्यू आप मिड पॉइंट देखें किसका, सी एफ का या इसका ले लें, किसी का मिड पॉइंट ले सकते हैं, ये सारी एक जगह पे नहीं कट की है लेकिन बहरहाल है वही इस तरह, तो आप किसी का मिड पॉइंट ले लें इसमें, तो ये हमारा जो है ये है बेसिकली कौन सा है, ये क्यू है, तो क्यू मिड पॉइंट ले लें इसका। तो अगर मैं जी बी का क्यू मिड पॉइंट ले लूँ तो क्यू कितना आ जाएगा, जी देखें जी और बी का मिड पॉइंट ले लें, जी ये 0, 12, 6 ये और बी कितना है ये 6, 12, तो 0 + 6/2 दूसरा क्या आएगा 12 + 12/2 और तीसरा क्या आएगा 6 + 0/2, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 0 + 6/2 आ जाते हैं 3, ये आते हैं 12 और ये आते हैं 6 + 0/2 यानी ये 3, 3, 12, 3। अच्छा अब आप देखें हमें जो चीज़ चाहिए बोले कहता है पी क्यू चाहिए, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का मकसद है क्यू में से पी के माइनस कर देना
क्यू आपका ये आया है 3 12 3 और पी आपका ये है, तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 और फिर आ जाएगा 3 माइनस 6 तो ये आ जाता है 3 6 और -3 अगर आई जे के में लिखना चाहेंगे तो जाएगा 3 i +6 j और -3 k एक आंसर। ये आपको पी क्यू मिल गया, पी क्यू मिल गया। आप मालूम करेंगे आर क्यू, दूसरा इसने आर क्यू कहा है, आर क्यू देखें क्यू में से आर के माइनस करें, क्यू हमारा जो आया हुआ है देखें अगर आप ऊपर चल के देखेंगे तो क्यू हमारा आया हुआ है 3 कामा 12 कामा 3 और आर जो ये है आर आया हुआ है हमारा 6 कामा 4 कामा 0। तो आप देखें क्यू आर यानी ये क्यू है, क्यू में से आर के माइनस करेंगे तो 3 माइनस 6 आ जाएगा -3, 12 माइनस 4 आ जाएगा 8 और 3 माइनस 0 3 k। तो इसको आई जे के में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ -3 i +8 j और +3 k। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यूज अ स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी एंगल मालूम करनी है। आर क्यू पी के लिए देखिए अब डायग्राम में तो देखना ही नहीं है ना, हमने बस खत्म हो गई बात, डायग्राम जब हमने चीजें क्वारिनेट ले लिया हमें क्वारिनेट की जरूरत होगी, डायग्राम को देखने की जरूरत भी नहीं है कि उधर क्या एंगल कौन सी आर क्यू पी है। इधर हम देखेंगे आर क्यू पी क्यू बीच में है, आर इधर आ जाएगा और पी इधर दे रहे ये बीच, तो एक आपको चाहिए क्यू आर एक चाहिए क्यू पी, तो इधर क्यू आर नहीं मिला हुआ आर क्यू मिला हुआ है, हमें चाहिए क्यू आर, क्यू आर बराबर होगा -RQK, तो इसमें माइनस लगा देंगे यह आ जाएगा 3 -8 -3। एंगल सही होने के लिए डायरेक्शन होना सही होना जरूरी है। एग्जाम्पल कभी कभी दूसरा एक्स कर लेते हैं इसके सब जो इसका सप्लीमेंट्री आएगा, लेकिन ना हो तो बेहतर है हम ओरिजिनल डायरेक्शन निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमेशा। ये क्यू आर अच्छा फिर ये है ये क्यू आर, एक तो क्यू आर चाहिए दूसरा चाहिए क्यू पी, क्यू पी जो है वो होगा -PQK, PQK अपोजिट साइड में तो ये आ जाएगा -3 -6 और 3 आ गया। अभी हम एंगल निकालेंगे, देखें मैं कह सकता हूँ कि कॉस आर क्यू पी या पी क्यू आर लिखे तभी ठीक है, उसने पी क्यू आर कहा चलो आप पी क्यू आर लिखे, ये होगा क्यू आर डॉट क्यू पी अपॉन क्यू आर का मैग्नीट्यूड और क्यू पी का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट देखें इस दोनों की क्यू आर और क्यू पी की, 3 माइनस 3 आ जाएगा -9, -8 -6 आ जाएगा +k 48, -3 +3 आ जाएगा -k 9, -9 +48 -9 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस -8 का स्क्वायर 64 -9 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में, और दूसरे में इसका -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 अंडर रूट में। तो आप देखें तो ये आता है कॉस पी क्यू आर बराबर -9 प्लस 48 -9 तो ये आता है 30 अपॉन 9 9 18 और 64 82 अंडर रूट और इंटू ये कितना आता है 45 प्लस 9 54 अंडर रूट। तो अब इनको अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ पी क्यू आर डायरेक्ट कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स 3 अपॉन ये नीचे लिख दो अंडर रूट में 82 इंटू 54 और सिंप्लीफाई करके एंगल निकालें तो ये एंगल आ जाता है 63.2 डिग्री, यानी एंगल पी क्यू आर 63.2 डिग्री। अगर अभी आप देखना चाहें पी क्यू आर तो देख सकते हैं पी इधर है ये इधर क्यू और ये आर है ये एंगल है ये एंगल है तो ये आप देख तो सकते हैं ये एंगल है लेकिन उधर देखें पहले हमने देखा भी नहीं तो हमने यानी ये हमने क्यू पी कनेक्ट किया और क्यू आर किया और ये एंगल तकरीबन आ रहा है 63.2 डिग्री का ये एंगल आ रहा है हमने वेक्टर से कैलकुलेट किया।